हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और माइनक्राफ्ट के नए सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में। ये हमारा नया वर्ल्ड है क्योंकि पुराने वर्ल्ड में कुछ ऐसा हुआ कि हमें वो पूरा वर्ल्ड ही डिलीट मारना पड़ा। मैंने एक नए अपने दोस्त को इनवाइट किया तो उसने कुछ ऐसा कर दिया कि हमें पूरा वो वर्ल्ड ही डिलीट करना पड़ा। फिलहाल ये हमारा नया वर्ल्ड है और इसमें हम नई सर्वाइवल सीरीज़ बनाने वाले। उसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर दी थी, तब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसे आपको स्टार्टिंग से ही दिखाएंगे। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की वीडियो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो फटाफट नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और अभी तो हम चलते हैं फटाफट, एक अपना विलेज वगैरह ढूंढते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। और हमारे उस वर्ल्ड के लिए कमेंट में RIP लिख देना गाइस, हमने बहुत मेहनत की थी उसमें। उस वर्ल्ड में अच्छे अच्छे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी हमने एंड गेम को भी बीट कर दिया था। नए फॉर्म बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज़ें भुला के भी हम दूसरा सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसको पेलता हूँ थोड़ा सा अपने ये शिप को। क्या करेगा इस मारना तो पड़ेगा, खाना भी चाहिए और बेड भी तो बनाना है। लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं जहाँ से स्पॉन हुआ था यहाँ से थोड़े ही दूर आया तो लग मुझे एक विलेज मिला। तो पहले मैं विलेज से यहाँ से फटाफट खाना कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि खाने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं वहाँ से खाना वगैरह कलेक्ट करके थोड़ा वुड वगैरह मैंने काटा वहाँ से, वुड वगैरह लेके यहाँ पहले खाना बनाते हैं। हैवेल्स विलेजर का हैवेल्स मैंने आते ही चोरी कर ली। देख रहे हो भाई, अपना काम ही है, आओ चोरी करो। विलेजर हमारे लिए तो रखते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं क्या गाइस? पता नहीं, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ करते हो तो हमारे हमेशा काम आते हैं। कोई बात नहीं गाइस, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे। उनकी सेटिंग करा दें क्या गाइस? ओ नहीं, ये सब बातें छोड़ो, चलो फटाफट चलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मुझे कोल वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें चाहिए। मैं चलूँगा सीधा माइनिंग करने के लिए। माइनिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा स्टोन वगैरह लेंगे। फिलहाल वहाँ से मैंने कोल लिया, थोड़ा टॉर्च बनाया, फिर आते हैं आप केव में। अब यहाँ से थोड़ा पहले आयरन लेते हैं, पूरा आयरन का डायमंड आर्मर, सॉरी आर्मर का पूरा आर्मर वगैरह बनाते हैं आयरन का, और टूल्स भी बनाते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना रख दिया ये आयरन माइन करने, वो आयरन रख दिया, थोड़ा स्मेल्ट हो जाए ताकि मैं उसको यूज कर पाऊँ। और यहाँ ये देखो गाइस, मैंने ये थोड़ी कैप बनाई थी, यहाँ पे कुछ मेरे आयरन छूट गए थे। अब इसके बाद भी मैं माइन करता हूँ, जो थोड़े बहुत मिले थे मैंने उनको रख दिया था कि ये स्मेल्ट हो जाए, मैं इनसे अपना कम से कम एक वो बना सकता हूँ, टूल्स बना सकता हूँ। कम से कम एक पिकेक्स तो चाहिए यहाँ पे। देखो ये स्मेल्ट हो गए, चलो फटाफट इनसे कलेक्ट कर लेते हैं जो भी है, और फटाफट अपना आर्मर वगैरह बनाते हैं क्योंकि यहाँ तो ये कलेक्ट होते ही रहेंगे और मुझे फटाफट करना है ताकि आगे भी चल कर भी हम डायमंड भी माइनिंग करेंगे। तो मिला जुला के मेरे पास लगभग एक स्टेक के लगभग आसपास था, मैंने एक से डेढ़ एक घंटे तो मैंने लगभग माइनिंग की होगी, मतलब स्ट्रेट माइनिंग कर रहा था क्योंकि मुझे डायमंड भी चाहिए, तो मैं एक ही जगह माइनिंग करके मुझे यहाँ से डायमंड भी मिल जाएगा। तो चलो गाइस, फटाफट मैंने यहाँ से अपना आर्मर वगैरह बना लेते हैं क्योंकि माइनिंग पे जाना है तो ये सब आर्मर वगैरह बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक ये सीजर भी रख लिया क्योंकि ये काम आने वाला है, काम इसलिए आ रहा कि भेड़ियों को मारना नहीं पड़ेगा, भेड़ को वहाँ से अपने को मिल जाएगी, बकरियों को, तो उनसे अपना वूल मिल जाएगा, उनको हम आराम से पाल भी सकते हैं। और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो अपना खाने का भी काम हो जाएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा सा यहाँ से मैं स्टिक वगैरह बनाता हूँ और चलते हैं फटाफट, कुछ करते हैं नया बनाते हैं। फिलहाल तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से ये अपना पिकेक्स वगैरह सब रेडी कर लेता हूँ क्योंकि अभी जाना है, और जितने ही मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट टूल्स वगैरह रहेंगे हम उतने ही पावरफुल रहेंगे। क्योंकि आपको माइनक्राफ्ट मोबाइल में तो पता है, मोबाइल में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हार्ड रहता है। तो फाइनली गाइस, मैं पूरा अपना आयरन के हेलमेट बेस पूरा आर्मर मेरा कंप्लीट हो गया, टूल भी हो गए। अब चलते हैं फटाफट, कुछ घर वगैरह बनाते हैं, फिर कुछ नई चीज़ें देखते हैं फटाफट चल के। तो फिलहाल मैं यहाँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लकड़ी वगैरह की ज़रूरत थी क्योंकि हमें घर बनाना था, तो पहले एक छोटा सा बेसिक सा घर बनाते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ जगह भी माइनिंग कर रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल रात को 2 बज रहे हैं और पता नहीं कौन गाड़ी घूम घूम करके चला रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस है तो हम रिली सॉरी, गाड़ी के साउंड वगैरह है कुछ। तो फिलहाल ये देखो, हम लोगों ने ये घर बिल्ड किया है छोटा सा, अभी तो इसको हम अच्छे से पूरा ये एरिया को ही पूरा क्लीन करके पूरा एक मेंशन टाइप का बनाएंगे। फिलहाल तो छोटा सा ही है, आपको दिखा देता हूँ, देख लो आप। और ये बेड है, पहले बेड वगैरह ले चल के लगा देते हैं और हम गुजारते हैं अपनी पहली रात। और इस घर में हमारी, इस वर्ल्ड में पहली रात थी है,
जो कि हमारी पहली रात बहुत आराम से गुजरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, ये मेरा मजदूर टीममेट आ गया था तो ये मजदूरी करने के लिए बोला, नहीं हम नए जगह से माइनिंग करेंगे, तो ये पता नहीं कहाँ से माइनिंग करा रहे हैं। चलो गाइस फटाफट इसको माइनिंग करते हैं, कुछ डायमंड वगैरह लेते हैं। देखते हैं कितना टाइम, मैं सीधा यहाँ से डिग करने वाला हूँ, बाद में लेजर लगा के हम लोग ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वैसा स्टेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल जैसा हो जाता है। यहाँ से मैं सीधा डिग करने वाला हूँ, यहाँ से हम सीधा डिग करके ही आ रहे थे। हमें यहाँ पे एक माइन शॉट मिल गई, जो कि हम पहले फटाफट इसको लूट लेते हैं। यहाँ मेरे टीममेट को एक वो मिला था, मुझे तो यहाँ से थोड़े से डाइम ये अपना गोल्ड मिल गया, तो मैं पहले गोल्ड ले लेता हूँ। और यहाँ से हमें थोड़े से एक चेस्ट मिला था मेरे टीममेट को, और एक सामने भी देखो डायमंड पड़ा हुआ है, तो पहले यहाँ से ले लेते हैं एक, ये अपना डायमंड वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पे डायमंड थी, और इसमें डायमंड टोटम वगैरह सब कुछ मिल गया अपने को, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई गाइस, ये तो काम आ जाएगा। तो चलो अभी देखो मेरे पास दो गोल्ड एक डायमंड आ गया। अब चलते हैं आगे, एक डायमंड हमने यहीं कहीं देखा था, उसको भी फटाफट माइन कर लेते हैं। और गाइस सोचो हमें कितने डायमंड मिलने वाले हैं। आपको ये सीट चाहिए तो बता दूंगा मैं, आपको स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट दिख भी रहा होगा। आप यहाँ पे आके एक बार चेक करना, अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो, अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप बताना मुझे कमेंट में, आपको ये सीट दूंगा। गाइस बहुत ही प्यारी सीट थी, मैं हम जब जाते हैं माइन डायमंड माइन, क्या खतरनाक डायमंड, बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं मिले थे, बस ये हमें 3-4 डायमंड मिले, लेकिन जब नीचे जाते हैं और माइनिंग करने ना, अब देखो डायमंड हमें कितने मिलेंगे, बहुत सारे डायमंड, मतलब काफ़ी सारे डायमंड मिलते हैं। फिलहाल तो जितने डायमंड मिल रहे हैं उनको फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ मुझे मिलते हैं, कुछ मेरे टीममेट को भी मिलते हैं। देख रहे हो गाइस यहाँ पे डायमंड और गोल्ड दोनों पड़े हैं। गोल्ड तुम्हारे काम आ जाएंगे, क्योंकि हम जब नेदर में जाएंगे तो नेदर में अपने को वहाँ से पिगलिन से ट्रेड करने के लिए चाहिए, तो वो भी हमारे काम आ जाएगा। और डायमंड की बहुत सारी चीज़ें, जिसके आयरन की जो सॉरी गोल्ड की, जिससे हमें रेल वगैरह बनाना पड़े, क्योंकि हमें एक आयरन फार्म बनाना है, तो वो तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मुझे आयरन बड़ा सा, हम लोग एक आयरन फार्म बनाएंगे जो अच्छा खासा आयरन अपने को देगा, तो उसके लिए हमें ब्लेजर चाहिए, और ब्लेजर लाने के लिए हमें रेल चाहिए, तो हमें ये कुछ डायमंड की ज़रूरत पड़ेगी। 63 ऑलमोस्ट हम लोग को एक स्टैक मिला था गाइस,